स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। और इसमें और भी टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, इस पे क्वेश्चन करेंगे, तो काफ़ी अच्छा सा सेशन होने वाला है। इसलिए बढ़िया से समझना है और फिर बहुत सारा लेक्चर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मिल जाएगा। इसके लिए आप प्ले लिस्ट को विजिट कर सकते हैं या इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको हम सब दे देंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस मतलब देखिए क्या कह रहा है कि दो लाइन यहाँ पे है, दोनों एक दूसरे को कट कर रहा है, ठीक है ना। तो दोनों के बीच का उभयनिष्ठ बिंदु क्या है, यही ना होगा, तो ये पॉइंट कैसे निकलेगा इसी को समझना है। चलिए लाइक कीजिए फटाफट और आगे देखिए। यहाँ पे लिखेंगे देखिए क्या, लेट टू लाइंस, दो लाइंस ले लेते हैं हम यहाँ पे। देखिए लाइन कौन कौन हो जाएगा, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, पहला लाइन, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो, दूसरा लाइन। देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे देखिए लिखेंगे एक मतलब कि टेक्निकली चीज़ बता रहे हैं, टेक्निकल दिमाग लगाने पे क्या होता है, फायदा होता है। ऐसे मैट्रिक क्लास में पढ़े हैं आप लोग तो समीकरण को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ऐसा निकल जाएगा। मान लीजिए कि L1 है या L2 है तो कैसे निकलेगा, तो क्या करेंगे हम लोग, इसका इक्वेशन दिया रहेगा, इसका इक्वेशन दिया रहेगा, तो लिखेंगे हम लोग सोल्व बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को हम लोग सोल्व करेंगे, ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अब समझिए बढ़िया से यहाँ पे, तो कैसे सोल्व करेंगे इसके लिए देखिए दिमाग लगाइए। यहाँ पे लिखिएगा ऊपर x और x वाले को भूल जाना है, लिखिएगा b1 c1 b2 c2, ऐसे हो गया, डिटर्मिनेंट है, मॉड नहीं है ये, इज इक्वल टू माइनस वाई लिखिएगा, प्लस माइनस प्लस ऐसे करके। अब लिखिए y लिखा गया तो इसको ढक लीजिए, a1 c1 a1 c1 a2 c2 ऐसे हो गया, इज इक्वल टू लिखिएगा वन बाई, अब इसको ढक लिया आप तो ए वन बी वन ए टू बी टू, डिटर्मिनेंट निकालना सिखाएं। बस यहाँ से क्या होगा ना कि x और y का मान आपको निकल जाएगा, यहाँ से जो है x का वैल्यू मिल जाएगा, y का वैल्यू मिल जाएगा, और x y का जो वैल्यू मिलेगा वही क्या होगा आपका, वही आपका आंसर कहलाएगा। क्लियर, अब यहाँ पे आइए और समझा जाए, बात को पकड़ा जाए क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल से कह रहे क्या क्वेश्चन यहां पे, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, ऐसे लिखिए, ऑफ द लाइंस, लाइंस यहां पर मेंशन किया गया है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 3, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। इन दोनों लाइन को मतलब एक दूसरे को कट करेंगे ये, तो कहने मतलब कॉमन पॉइंट क्या होगा इसको निकालना है आपको, ठीक है ना। यहाँ देखिए सॉल्यूशन, लाइंस आर, ऐसे लिखिए सजाकर, 5x प्लस 7y माइनस 3 इक्वल टू 0। आप क्या लिखेंगे, 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, तो लिखेंगे यहाँ पे इसलिए x बाई, देखिए 7 माइनस 3 फिर माइनस 3 हो जाएगा यहाँ पे, और क्या होगा माइनस 7 हो जाएगा, क्लियर। माइनस y बाई 5 माइनस 3 टू माइनस 7 इज इक्वल टू, अब रखिए 1, इसको ढक लेंगे हम, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे 5 7 2 माइनस 3 ये हो जाएगा, और सारा कहानी यहाँ पे सॉल्व करने का है, ठीक है ना। यहाँ देखिए
एक्स बाई 49 माइनस 49 और माइनस 9 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस वाई बाई ऐसे करते हैं फिर ऐसे करते हैं माइनस 35 माइनस माइनस 6 क्लियर इज इक्वल टू 1 बाई माइनस 3 गुने 5 कितना होगा माइनस 15 माइनस 14 यहां समझिए एक्स बाई 58 माइनस वाई बाई कितना होगा प्लस हो जाएगा तो माइनस 29 इज इक्वल टू 1 बाई माइनस 29 तो देखिए क्या होगा यहां पे समझने का प्रयास कीजिए यहां पे ध्यान से तो एक्स बाई माइनस 58 इज इक्वल टू 1 बाई माइनस 29 ये हो गया फिर क्या होगा माइनस वाई बाई माइनस 29 इज इक्वल टू माइनस सीधे 1 बाई माइनस 29 ये कट गया तो देखिए यहां से कटाएंगे तो इसलिए x देखिए क्या होगा ये दो बार में कट जाएगा ना ये तो x इक्वल टू क्या हो गया 2 एकम 2 और y इज इक्वल टू क्या होगा कट जाएगा ये तो माइनस 1 तो x का मान क्या मिला x का मान क्या मिला बोलिए देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू माइनस 1 और यही क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया यही क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ें आपको समझ में आ रही है उसको देखते चलिए इस पर एक और क्वेश्चन देखेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाए क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब जाकर समझ में अच्छा से आएगा क्लियर समझ गए आगे देखिए और भी क्वेश्चन लेके हम लोग इस कॉन्सेप्ट को इतना बढ़िया से क्लियर करेंगे और इस पर क्वेश्चन बहुत सारा आता है ना इसका बहुत यूज है इस कॉन्सेप्ट का ठीक है ना तो जितना अच्छा से दिमाग लगाएंगे आप उतना ही बेहतर तरीका समझ में आएगा देखिए अगला क्वेश्चन क्या है चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है द फाइंड द वैल्यू ऑफ के का मान निकालने के लिए कहा जा रहा है फॉर विच द लाइन्स 3x + y = 2 kx + 2y = 3 2x - y = 3 में इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट मतलब कि ये एक बिंदु पर मतलब तीन लाइनें हैं एक दूसरे को एक बिंदु पर ही मिल रही हैं तो ये पॉइंट बताइए क्या होगा तो मतलब कि कैसे निकालेंगे मतलब कि सॉरी यहाँ पे पॉइंट एक पॉइंट पे मिल रही है यहाँ पे तो आपको के का मान पूछ रहा है उल्टा कहा गया था इस पॉइंट पे मिल रही है तो के का मान पूछ रहा है आपसे तो सबसे बात देखिए बड़ी बात क्या है जो भी पॉइंट होगा एक कॉमन पॉइंट होगा ये तीनों लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो सबसे पहले देखिए कहाँ के नहीं है तो इसमें और इसमें के नहीं है तो जिसमें के नहीं रहेगा पहले उसको सोल्व कर लेते हैं यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन ठीक है ना लिखेंगे 3x + y - 2 = 0 और फिर 2x - y - 3 = 0 ये हो गया इतना बात हो गया तो इसलिए लिखेंगे x बाई इसको डिलीट कर देंगे तो 1 - 1 - 2 - 3 ऐसे हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस वाई बाई डिलीट कर देंगे इसको तो 3 - 2 - 3 इज इक्वल टू 1 बाई डिलीट इसको डिलीट कर देंगे तो क्या होगा 3 - 1 - 2 - 1 ऐसे हो जाएगा अब क्या है इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे पहले तो क्या होगा देखिए x बाई माइनस 3 माइनस कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू माइनस वाई बाई माइनस 9 माइनस माइनस प्लस 4 क्योंकि इससे इसमें गुणा करते हैं फिर माइनस इससे इसमें गुणा करते हैं ये सब बताए हैं डिटरमिनेंट शुरू में तो माइनस 3 - 2 = 2 यहाँ पे समझ लीजिए थोड़ा सा सोल्व कर सकते हैं हम लोग तो यहाँ से क्या मिल गया बताइए एक्स बाई माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 1 वाई बाई माइनस 5 इज इक्वल टू 1 बाई माइनस 5 आप देख पा रहे इतना तक कहानी समझ में आ गया होगा आपका इसलिए हम x का इसको बराबर करेंगे x - -5 को बराबर करेंगे किसके 1 - -5 के तो कट के x का मान कितना आएगा 1 आएगा एंड ये तो कट गया तो y का मान कितना आएगा ये कटेगा 5 से -5 को कटाएंगे तो कितना आएगा -1 आएगा तो एक्स वाई का मान निकल गया अब लिखेंगे नाउ पॉइंट निकलने के बाद लिखेंगे नाउ चूंकि kx - 2y = 3 तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्स का मान कितना लाए हैं 1 संतुष्ट कराएंगे 2 - -1 = 3 अब जरा देखिए यहाँ से ये कितना हो गया के
और माइनस टू जाके क्या होगा, उधर प्लस जुड़ जाएगा जाके उधर, तीन प्लस दो कितना होगा, पाँच हो जाएगा। तो इसलिए x का मान क्या मिल गया, k का मान क्या मिल गया आपको, k का मान कितना मिल गया, तीन दो पाँच मिल गया। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, यही क्या हो गया हमारा k का वैल्यू हो गया। आई होप आप बात को समझ पा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आइए देखते हैं अगला बात, कि अगला टॉपिक क्या कहता है, क्या उसका कॉन्सेप्ट है, उसको समझेंगे ना तब जाके क्लियर होगा, तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, उसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। चलिए समझते हैं बढ़िया से। यहाँ देखिए, अब आता है कंकरेंट लाइंस, कंकरेंट लाइंस संगामी रेखाएं। इसमें क्या होता है, मान लीजिए वही बात अभी अभी तो हुआ है ना, कि मान लीजिए कि एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन मान लीजिए ये है, जब तीनों लाइन का क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही हो, मतलब तीनों का एक ही को क्या हो पॉइंट, मतलब तीनों का तीनों में कमन एक ही पॉइंट हो, मतलब तीनों रेखाएं एक ही पॉइंट से हो जाती हो, तब बोलते हैं क्या कंकरेंट लाइन बोलते हैं, इनको कंकरेंट लाइन बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहानी क्या है उसको समझिए, इसके कंडीशन को समझते हैं। देखिए क्या है, यहाँ देखिए तीन लाइन लेते हैं, लिखेंगे लाइन्स ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो, है ना, ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री बराबर जीरो, ठीक है ना। आर कॉल्ड कंकरेंट लाइंस, तीनों कंकरेंट लाइन कहलाते हैं कब, इफ ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, ए थ्री बी थ्री सी थ्री, डिटरमिनेंट क्या हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए। अगर ऐसा आता है, डिटरमिनेंट सिखाए हैं वो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में, अगर ऐसा होता है तो हमारा काम क्लियर है, क्लियर। और नहीं तो क्या करेंगे, हम तरीका बता रहे हैं, दोनों को सोल्व करेंगे, एक्स का मान आएगा कुछ ना कुछ, वाई का मान आएगा, इस मान को इसमें हम पुट करेंगे, अगर क्या हो एल एच एस आर एच एस के बराबर हो जाए तब क्या होगा, हमारा लाइन कंकरेंट होगा तीनों, मतलब जो उसका दोनों कमन पॉइंट है उसी उसका वही पॉइंट इसका भी कमन हो गया, तो मतलब कि कंकरेंट हो जाएगा। तो तरीका दो हो सकता है, बट अब इसको समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं तब समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो घबराने से कुछ नहीं होता है, काम होता है पढ़ने से, पेशेंस रखने पर। लिखेंगे यहाँ पे, अच्छा समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ देखिए लिखेंगे सो डैट सो डैट द लाइन्स एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू सिक्स, फोर एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी, सिक्स एक्स प्लस फाइव वाई प्लस एट इक्वल टू जीरो आर कंकरेंट लाइंस। साबित करें कि ये संगामी रेखाएं हैं, राइट। देखिए पहला मेथड देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे हम लोग, लिखेंगे एक्स प्लस वाई बराबर छ, एंड क्या दिया गया है, लिखेंगे सिंस इतना, या एक्स माइनस वाई माइनस छ बराबर जीरो, एक हो जाएगा ये। फिर लिखेंगे क्या फोर एक्स उसके बाद माइनस थ्री वाई माइनस टू बराबर जीरो, इसको दो मान लेंगे, लिखेंगे फ्रॉम वन एंड टू, एक और दो से सोल्व करने पर तो क्या होगा, वहीं एक्स बाई माइनस वन माइनस सिक्स माइनस थ्री माइनस टू इज इक्वल टू माइनस वाई बाई, देखिए वन है फोर है, वन फोर उसके बाद माइनस सिक्स माइनस दो इज इक्वल टू वन बाई
वन माइनस वन, फोर माइनस थ्री, ऐसे कर लेंगे। ये सब सिखा दिए हैं। चलिए आप आगे देखिए, यहाँ पे एक्स बाई दो माइनस चौथे का अट्ठारह इज इक्वल टू माइनस वाई बाई माइनस दो प्लस छः चौका चौबीस, वन बाई प्लस चार, ये होगा एक्स बाई माइनस सोलह इज इक्वल टू माइनस वाई बाई कितना होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे एक्स, एक सेकेंड, थोड़ा सा कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है, गलती हुआ होगा तो महा गलती हो जाएगा, कहीं क्वेश्चन में गलती करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। फोर एक्स कहाँ है, थोड़ा मिलाइए एक्स, एक सेकेंड, इसको किए तो माइनस वन माइनस सिक्स, माइनस वन माइनस सिक्स ठीक है, उसके बाद माइनस थ्री माइनस टू ये भी ठीक है, क्लियर क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए। गलती ये हुआ है कि यहाँ 20 है तो यहाँ दो काहे लिखे हैं, 20 ना होगा 20, अच्छा ये हो गया। उसके बाद माइनस वाई में क्या होगा, तो वन फोर, वन फोर फिर माइनस 20, ठीक है अब ठीक है, तो ये हो गया 20 माइनस अट्ठारह, माइनस 20 क्या होगा, 20 माइनस अट्ठारह हो जाएगा, अब हो गया ये ठीक है। वाई के लिया तो माइनस 20 ये भी हो जाएगा माइनस 20, ठीक है इसको हटाते हैं, माइनस 20 और फिर प्लस 24 ठीक है, और ये कितना होगा, ठीक है ये इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मतलब ये तो कितना होगा, वन ही होगा, तो x बाई कितना माइनस टू, प्लस टू हो जाएगा बराबर माइनस वाई बाई कितना होगा चार इज इक्वल टू वन बाई वन। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि x का मान दो हो जाएगा बराबर करेंगे तो, एंड y का मान हो जाएगा माइनस फोर, एक्स का मान दो y का मान माइनस फोर। अब लिखेंगे नाउ पुटिंग x बराबर दो y बराबर माइनस चार, कहाँ पे इन, इतना लिख दीजिए हो गया ना, इतना पुट कर रहे हैं इससे LHS, LHS बराबर क्या हो जाएगा 6x प्लस 5y प्लस 8, तो 6 इंटू दो प्लस 5 इंटू माइनस चार प्लस 8, तो कितना होगा 12 माइनस 20 प्लस 8, 12 घटाऊँ 12 प्लस 8 20 घटाऊँ 20 जीरो, बराबर क्या हो गया आपको RHS आ गया। इसलिए लाइंस आर कंकुरेंट, लाइंस क्या होंगे संगामी होंगे, रेखाएं क्या होंगी संगामी होंगी। तो एक तरीका यह हुआ कि सोल्व कर दो दो को और तीसरे में जाकर रख दो, आप इसको इसको भी सोल्व कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब एक और तरीका था उसको भी समझ लीजिए, उसको भी समझना जरूरी है ना, नहीं समझोगे तो कैसे होगा। यहां पे देखिए सोल्यूशन, एक और तरीका मेथड दो लिखेंगे सॉल्यूशन में, लाइंस आर क्या क्या लाइन है देखिए, एक्स माइनस वाई माइनस छ बराबर जीरो, फोर एक्स माइनस थ्री वाई माइनस ट्वेंटी इक्वल टू जीरो, एंड सिक्स एक्स प्लस फाइव वाई प्लस एट बराबर जीरो, है ना। तो इसलिए वन माइनस वन माइनस सिक्स, फोर माइनस थ्री माइनस ट्वेंटी, सिक्स ए ट्वेंटी है, सिक्स फाइव एट, इसका डिटर्मिनेंट निकालिए बराबर वन, इसको चूज करेंगे वन को लिया, डिलीट करते हैं, डिलीट करते हैं सिखाएं हम तो माइनस थ्री, इसलिए हम सिखा रहे थे उस समय कि बड़ी बुआ बढ़िया से पढ़ेगा, लेकिन आप लोग नहीं पढ़ते हैं। प्लस माइनस प्लस, तो माइनस लिखेंगे यहाँ पे, फिर क्या है माइनस वन है, डिलीट और डिलीट, फोर माइनस ट्वेंटी, सिक्स और एट, फिर प्लस माइनस छः रखिए, क्योंकि डिटर्मिनेंट में रूल क्या होता है, यहाँ लिखते हैं प्लस फिर माइनस फिर प्लस, अब माइनस रहेगा तो उससे मतलब नहीं है, साइन रहना चाहिए प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना, माइनस अंक वाला है तो कोई मतलब नहीं, वो तो अपना ये करेगा।
तो चलिए यहाँ पे देखिए, तो ये क्या हो जाएगा माइनस सिक्स, डिलीट और डिलीट, चार माइनस तीन छः, पाँच, छः पाँच, ऐसे क्लियर। आगे थोड़ा कैमरा घुमाते हैं, चलिए घुमा दिए कैमरा, तो ये हो गया। सोल्व कीजिए, वन माइनस चौबीस प्लस सौ हो जाएगा ये, माइनस माइनस प्लस एक, बत्तीस प्लस छः बीस, छः एक सौ बीस, माइनस छः बीस प्लस अठारह, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कितना, छिहत्तर। ये कितना होगा, ये छिहत्तर हो गया, ये कितना होगा, एक सौ बावन प्लस एक सौ बावन माइनस बीस और अठारह कितना होगा, अड़तीस। अड़तीस कोने कितना, छः, तो 240 घटा 12 कितना होगा, दो दो आठ, दो दो आठ, और इसको जोड़ने पर कितना आएगा, छः दो आठ, सात पाँच बारह के दो और एक एक दो घटा दो दो आठ, मतलब जीरो आ गया, इसलिए लाइंस आर कंकुरेंट। तो बात साफ है, साफ है बात कि अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप इन क्वेश्चन को दो तरीके से बना सकते हैं। तो कंकुरेंट लाइन हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने आ गया, बहुत ही शानदार एक कॉन्सेप्ट रहा, ठीक है ना। अब सुनिए, यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। अब एक बात समझिए, इसको आप सोचिएगा, खुद से जाकर निकालिएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे इसका कैसे यूज करते हैं क्वेश्चन को बनाने में, ऐसा मान लीजिए यहाँ पे त्रिभुज है, ट्रायंगल है, ठीक है ना। अब ट्रायंगल में आपके साथ करेगा क्या, मतलब क्वेश्चन जो होता है वो करता क्या, समझिए बढ़िया से, अच्छा से। अब यहाँ पे क्या करेगा कि इसमें चतुराई करता है कि तीनों का दे देगा साइड, साइड का दे देगा इक्वेशन, 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू जीरो। अच्छा सुनिए, इसको दे देगा, इसका भी दे देगा, 2x माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो, और x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो, ये तीनों दे देगा। तो मान लीजिए कि यह a है, यह b है, और ये मान लीजिए c है। तो आपसे कह रहा है कि कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स a, a का कोऑर्डिनेट क्या होगा। अब बताइए कि a को निकालना है तो हम किसको सॉल्व करेंगे, इसको और इसको, इसी को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा हमारा, इन दोनों से क्या निकलेगा हमारा, a निकलेगा, इन दोनों से क्या निकलेगा हमारा, b निकल जाएगा, इन दोनों से क्या निकल जाएगा, c निकल जाएगा। तो सॉल्व करना तो आपको सिखाए हैं, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में ऐसे लिखिएगा, फॉर वर्टेक्स a, अंडरलाइन कर दीजिएगा, उसके बाद कौन कौन सॉल्व करना है, ये और ये सॉल्व करना है, ऐसे हम लोग काम करते हैं। तो वर्टेक्स निकाल कर बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है बुआ, आपको बता रहे हैं कि ये खुद बना सकते हैं। तो आपको a, b और c तीनों का क्या होगा कोऑर्डिनेट, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, सोल्व करके कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब इन सब चीज़ों को समझना जरूरी है, नहीं समझेंगे तो आगे कैलकुलस में काफ़ी आपको दिक्कत हुई, कैलकुलस में सबका काफ़ी यूज होता है। मिलेंगे अगले क्लास में, अच्छा लगा है लाइक कर दीजिए, फिर से दोस्तों में शेयर कर दीजिए, थैंक यू आप सब।